कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई? 19 हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए भैया। कितना लिखना है? 20 नंबर। चलिए लिखिए। बीस नंबर क्या कह रहा था? किशन एंड नंदन, देख बेटा एक बार पहले बताओ, जो पीछे देख रहा है वो बता बेटा, इसके साफ दिख रहा है? क्लियर? बिल्कुल। पार्टनरशिप चल रहा था हमारा, साझेदारी। क्वेश्चन 19 हो गए था, आज कराएंगे 20 नंबर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। किशन एंड नंदन, देख अभिषेक तू बैठा, तू पैर मत मार दियो आज, कोई दिक्कत नहीं। चले, बड़ा प्यारा लड़का, तू समझदार लड़का है, ऐसे थोड़ी। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन के बाद ठीक करते हैं, जब तुम क्वेश्चन सोल्व करो तब तक। किशन एंड नंदन स्टार्टेड ए ज्वाइंट फर्म। किशन इन्वेस्टमेंट वॉज थ्राइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ नंदन एंड पीरियड ऑफ टाइम हिज इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वॉज टू टाइम्स द पीरियड पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ नंदन द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ नंदन नंदन गोट रुपीज 4000 नंदन गोट रुपीज 4000 एज प्रॉफिट फॉर हिज इन्वेस्टमेंट एज प्रॉफिट फॉर हिज इन्वेस्टमेंट देयर टोटल प्रॉफिट देयर टोटल प्रॉफिट इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पीरियड ऑफ अमाउंट इज। अब देखो दोनों टॉपिक इसमें ऐड हो गए आपके, प्रपोर्शन का भी और पार्टनरशिप का भी, पीरियड एंड अमाउंट इज। किशन और नंदन एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। किशन का निवेश नंदन के निवेश से 3 गुना है। और निवेश की अवधि का दुगना है। नंदन को 4000 रुपये अपनी निवेश का लाभांश मिला है। नंदन को 4000 रुपये अपने निवेश का लाभांश मिला है। यदि लाभ का विभाजन निवेश की अवधि और धनराशि के समानुपाती है तो उनका कुल लाभ ज्ञात करें। जब तक हम इसका फोकस ठीक करते, पंकज गरा फोकस ले रहा गया? चलो बताओ। आंसर भी आ गया, ठीक भी आ गया।
हाँ बताओ, 28,000 आ रहा है ये तेरा तो 28 आ रहा है। अच्छा 28 को 28 बोलते हैं। चले देखो, किशन है और दूसरा कौन सा है, नंदन है। कितने प्यारे प्यारे नाम है। दो भाई हैं, इनके कैपिटल को ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल। ये नंदन का एक है तो किशन इसका कितने गुना इन्वेस्ट करता है, टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। ये एक यूनिट काम करता है घंटे, तो कितने घंटे, मैंने पिछली क्लास में बताया था कैपिटल इनटू टाइम बराबर क्या आता है, प्रॉफिट। दोनों की गुणा कर दो। इसका प्रॉफिट दे रखा है कितना और टोटल कितना है, एक की वैल्यू 4,000, छः और एक 7 की वैल्यू, 7 गुना 4,000। बताओ कितना घटिया सा क्वेश्चन था। था ना। और सीधा सीधे उसने घुमाने के लिए अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट का मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, इनवर्स होता था फ्रैक्शन में चले जाती, एक बटा लगा देते। वो आपको घुमाने के लिए भी जोड़ा उसमें, ताकि आप उस चीज़ को घूमो, क्या हो, आहो क्या हो, घूमो। अच्छा बढ़ जाए, सबसे प्यारा लड़का लगता है मुझे, इससे थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ, नहीं तो सारे नालायक आते हैं, है ना। चले बढ़े आगे। 21 नंबर, कई तो महीने महीने बाद दर्शन देते हैं। 21 नंबर लिखिए, ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस। किसी बच्चे का, उसका रेलवे का एनटीपीसी का पेपर रह रहा है, उसके 6 चरण हो चुके थे कोरोना से पहले, 7वां चरण का एडमिट कार्ड आ गया। 21 जुलाई से पेपर है, जिसका रेलवे का हो, टिकट कलेक्टर का, इनका पेपर हो, वो 21 जुलाई से हो जाएगा। आज नोटिफिकेशन आ गया, चेक कर लेना। जिसका रह गया था, हो गया तो उसकी बात अलग थी। क्या हुआ, क्या हुआ, वाइट होगी। अच्छा, ए बी सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन रेशियो 2:3:4। आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉल हाफ ऑफ हिज कैपिटल। ए बी सी एक व्यापार में 2:3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं, 2:3:4। आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉल हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड आफ्टर 8 मंथ बी सबमिटेड 33.33% ऑफ हिज कैपिटल। बी सबमिटेड 33.33% ऑफ हिज कैपिटल एंड आफ्टर 1 ईयर सी विड्रो 25% ऑफ हिज कैपिटल। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स। ए बी सी एक व्यापार में 2:3:4 में निवेश करते हैं, ए 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, बी 8 महीनों के बाद, बी 8 महीनों के बाद अपनी पूंजी का
33.33% मिला देता है, 33.33% मिला देता है। और सी एक साल के बाद अपनी 25% पूंजी निकाल लेता है, तो 2 साल के बाद उनके लाभ का अनुपात कितना होगा? उनके लाभ का अनुपात कितना होगा? बार बार अब तो लेना नहीं चाहिए, अब क्यों ले रहा फोकस? सीन तो लोग दिखा रहे हैं, वैसे ही ले रहा होगा फिर वो। बताओ, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, इस वहम को दूर मत करना। अरे सेम पहला ही क्वेश्चन कराया था मैंने, पहला दूसरा क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो, आपने शायद किसी ने पूछा भी था पिछली क्लास में डाउट ऐसे क्वेश्चन का, ए बी और तीसरा कौन है, किस अनुपात में निवेश करते हैं, जरा बताओ मुझे। 2, 3, 4, या तो आप इसको 200, 300, 400 मान लो, 20, 30, 40 मान लो, 2000, 3000, 4000 मान लो, इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन मैं आपको 200, 300, 400 समय 2, 3, 4 भी बता रहा हूँ आपको, कि कैलकुलेशन बढ़ेगी तो बढ़ने दो, ठीक है। आप परसेंटेज की बारी आएगी, कुछ बढ़ा रहे कुछ घटा रहे, 200, 300, 400 मान लेना, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान। जैसे मैंने बताया था पहले, शायद तुमने पूछा था क्वेश्चन पिछली क्लास में, किसी ने पूछा था रेशियो वाला क्वेश्चन। आगे क्या करा पढ़, सबसे पहले जब 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने थे, आप लास्ट लाइन में देखा करोगे कितने साल की बात कर, 2 साल, 2 साल में कितने महीने होते हैं, ये 24 महीनों की बात कर रहा है क्वेश्चन, ये बात क्लियर आपको कंफर्म हो गई। अब पढ़, आफ्टर 6 मंथ देखो, ए ने 6 महीने के लिए तो अपना पैसा लगाया, 24 में से 6 महीने चले गए, बच्चे कितने, और इसने आधा पैसा निकाला, 2 में से आधा निकाला, कितना बचा, और 1 रुपये कितने महीनों के लिए लगाया, 18 महीनों के लिए। क्या ये बात क्लियर है, बोलो हाँ, किसी को डाउट नहीं। बी ने 33.33%, इसका मतलब कितना होता है, 1/3, क्या किया ऑफिस कैपिटल एंड आफ्टर 1 ईयर सबमिट करा, कितने महीने बाद, 8 महीने बाद, ये 3 रुपये तो 8 महीने के लिए रहा, और 3 रुपये में 1 रुपये और जोड़ दिया, तो अब 8 महीने बाद कितने पैसे हो गए, 4, टोटल महीने थे 24, 8 महीने ले चुका, बचे कितने महीने, 16 महीने, क्लियर है बात, क्लियर है, चले आगे क्या कह रहा है, हाँ 1 साल तक तो सी के, 1 साल में 12 महीने तक तो इतने ही हो गए, फिर आगे 25% विड्रॉ कर लिया, 25% मतलब
चार में से एक निकाल लिया, बचा कितना? तीन। ये भी 12 महीनों के लिए बच गए। बोलो क्लियर यहाँ तक बात? ये बीच की बातें मिटा दें। चल अब क्या बात हो यहाँ से, अब चीज़ों को देखते हैं। 2 × 6 12, 12 में 18 जोड़ेंगे तो 30, 3 × 8 16 × 4 64 और 24 कितना होगा? 88। 12 × 4 48, 12 × 3 36, तो 48 36 84। 2 से काटा और 2 से काटा। आगे चाहता तो इसको पैसे में भी पूछ सकता था आपसे कुछ अमाउंट दे के, उसने सिर्फ रेशियो पूछा। तो रेशियो कितना है? 15:44:42। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, क्वेश्चन में लिख रखा भाई, एक साल के बाद तूने लाइन लिखी नहीं तो बात अलग है भाई। कि एज ऐसी होती है, हम कई दिन में किसी से मिलते तो ध्यान हमारा वहीं रहता है। अगर हम 2-3 दिन लगातार क्लास में, तो हमारा ध्यान क्लास में जब होएगा। अभी हम कहीं और से आते हैं तो 2-3 दिन तो हमारा ध्यान वहीं रहता है। ऐसा होता है मेरे साथ भी, मैं अपने फ्रेंड व्रेंड के साथ घूमने चला जाता हूँ तो 2-3 दिन तो ध्यान उसी के साथ रहता है, फिर बाद में क्लास में। जैसे कल ध्यान ऐसा ही था मेरा, रात भर पढ़ाई कर रहा था तो किताबों में ध्यान था मेरा। पढ़ाई तो कर हर रोज रात ही करनी, लेकिन कल लंबी कर लेते। मगर 2-3 दिन की छुट्टी होगी उसको कवर कर रहा हूँ मैं, वो छुट्टी नुकसान ना दे। क्लियर है? मिटाएं अभिषेक? बड़ा प्यारा लड़का लगता है तू मुझे यार। अभी मत बोला, अभी थोड़ी देर पहले अरुण को कह रहे थे, वो मैं सबको ऐसे ही बोलता हूँ, होता वैसे कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो लिखिए। सारे प्यारे होते हैं फिर। ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए बी सी एक व्यापार में साझेदारी करते हैं। ए एडवांसेज 1/3 ऑफ कैपिटल, पहले इंग्लिश में लिख लो, ए एडवांसेज 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। बी कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/6 ऑफ कैपिटल, 1/6 ऑफ कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ टाइम। सी कॉन्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग कैपिटल, सी कॉन्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम, फॉर द होल टाइम। हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ, हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1200। ए बी सी एक व्यापार में साझेदारी प्रारंभ करते हैं। ए कुल धनराशि का, ए कुल धनराशि का एक तिहाई, ए कुल धनराशि का एक तिहाई कुल अवधि के एक तिहाई समय के लिए निवेश करता है, कुल अवधि के एक तिहाई समय के लिए निवेश करता है। बी कुल धनराशि का छठा भाग, बी कुल धनराशि का छठा भाग एक तिहाई समय के लिए निवेश करता है। और सी शेष धनराशि पूरी अवधि के लिए निवेश करता है। पूरी अवधि के लिए निवेश करता है। तो 1200 के लाभांश में वे लोग कैसे बांटेंगे?
1200 के लाभांश को वे लोग कैसे बांटेंगे। ऑप्शन दे रखे एक एक में तीन तीन, जैसे पहले में दे रखा 300, 100, 800, दूसरे में दे रखा 200, 100, 900, फिर 100, 200, 900, 300, 200, 700, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। यानी आपको तीनों का पूछा तो आपको तीनों ऑप्शन देखने पड़ेंगे और चेक करने पड़ेंगे। बताओ शाबाश। नौ सौ तीन सौ 1500 होता टोटल, रुपये बांटने 1200। गधे इतना बेसिक क्वेश्चन और आपकी किताब का क्वेश्चन है। पंकज पढ़ क्वेश्चन, क्या कह रहा भाई, तो ऐसा ही पढ़ दे। एबीसी साझेदार है और 1/3 और 1/3 क्या सब पढ़ियो, चंचल पढ़ियो, बहुत प्यारी लड़की है। एबीसी एक व्यापार में साझेदार है। आगे देखो, कैपिटल है ये कह रहा है कुल राशि का 1/3 भाग, और टाइमिंग कितना बता रहा है ये 1/3 समय के लिए, और बी 6 या 1/6 कितने समय के लिए, और यहाँ पे रिमेनिंग भाग शेष भाग कितने समय के लिए, फुल टाइम के लिए। फिर 1200 रुपये को कैसे विभाजित करेंगे, यही था क्वेश्चन। चलिए देखो, घटिया सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। 3 और 6 हमने पूरी राशि मान ली, पूरी कैपिटल मान ली, एलसीएम इनका 6, कितना मान लिया 6। अगर मैं 6 से गुणा करूं तो 3 से 6 से काटा तो यहाँ कितनी कैपिटल हिस्सी आएगी इसके, इसके यहाँ कितनी हिस्सी आएगी 1, 2 और 1 टोटल कितनी मानी थी, तो शेष कितनी बच गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, पहले कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, टोटल टाइमिंग मान लिया मैंने 3 यूनिट, कितना मान लिया 3, क्योंकि दोनों का एलसीएम 3 आएगा। 3 से 3 को काटा, यहाँ कितनी यूनिट आई, 3 से 3 को काटा कितनी यूनिट आई, और ये फुल टाइम, फुल कितना माना था, तो ये 3। और कैपिटल इनटू टाइम करते हैं तो क्या निकल के आता है मेरे भाई, प्रॉफिट आता है। क्लियर है बात, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा ज़रा बताओ, 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 3 गुना 3, टोटल कितनी यूनिट, 9 और 1 10 और 2 12 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो ज़रा बताओ 2 यूनिट की वैल्यू 200, 1 की तो 100 थी, तो 1 की वैल्यू 100 और 9 यूनिट की वैल्यू 900। कोई दिक्कत है किसी को, तो 200, 100 और 900। इस सवाल को बताओ, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो, क्या होगा तुम्हारा।
कल भी आपकी मैथ की क्लास होगी, ठीक है ना? मिटा दें? देखिए अभी तेईस नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन लिखिए। रुपीज 500 डिवाइडेड इनटू ए बी सी डी, 500 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है इफ ए प्लस बी सीरीज 3 टाइम ऑफ सी प्लस डी शेयर, डी शेयर डी सी प्लस डी, ए और बी को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर सी और डी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, ए और बी को मिलाकर सी और डी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, एंड बी शेयर इज 4 टाइम ऑफ सी, बी को सी से 4 गुना मिलता है, बी को सी से 4 गुना, एंड सी शेयर इज 3/2 टाइम ऑफ डी, 3/2 टाइम्स ऑफ डी, सी को डी का 3/2 गुना मिलता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी फॉर बॉम्बे। तीन कितना? हाँ भाई, बाकी चलो देखो इधर, कोई नहीं देख लो इधर, बोलो सर बता दो। शाबाश, गलत है। कितने रुपए को बांट रहे हैं, किस किस में बांट रहे हैं? ए बी सी और डी में बांट रहे हैं, जिसमें हमें बी का शेयर तो निकालना है। फिर आगे क्या कह रहा है, पढ़ना जाना एक जना। ए प्लस बी को मिलाकर अभिषेक बता क्या कह रहा है।
ए प्लस बी को मिलाकर सी और डी से 3 गुना मिलता है। बोलो ठीक है सर, चल आगे पढ़ो फिर भाई। ठीक है तो एंड बी शेयर इज 4 टाइम ऑफ सी, बी को सी से 4 गुना मिलता है, देखो ये भी बात ठीक है, क्लियर। आगे सी शेयर इज 3/2 टाइम ऑफ डी, सी को डी का 3/2 मिलता है कि सर ये भी बात ठीक है, क्लियर। अब देखो सी और डी को टोटल कितना मिल रहा है, 5 और यहाँ सी और डी को कितना मिल रहा है, तो पहले तो इसको 5 बनाओ, 5 बना लेते 15 और ये 5। अब सी और डी के पास 5 और सी के पास कितना है, तो पहले सी को 3 बनाओ, क्लियर। अब यहाँ से आप अलग अलग भी लिख सकते हो, देखो बी के पास कितना और दोनों के पास कितना था, 15, तो ए के पास कितना बचेगा, 3, क्लियर है यहाँ तक। सी के पास कितना और टोटल सी और डी के पास 5, तो कितना बचेगा, 2। ज़रा ऐड करना टोटल कितनी यूनिट, इस 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो भाई एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 25। किसका हिस्सा पूछा है, तो बी 25 × 12 कितना हिस्सा आएगा, 300। तो तुमने किसका बताया, ए का भी तुमने गलत बताया, 75 आएगा, शेयर पूछा भाई, शेयर कोई बात नहीं, एक दो दिन मोह माया से छूट छाट के आया बेचारा, क्योंकि जब आदमी की नई नई शादी होती है तो भारत और पाकिस्तान जैसे संबंध तो होते नहीं हैं, तो उसमें भारत और नेपाल जैसे संबंध होते हैं शुरू शुरू में, और जैसे ही थोड़े दो एक दो साल हो जाते हैं तो संबंध भारत और पाकिस्तान जैसे हो जाते हैं, तो ज़्यादा दुश्मनी ज़्यादा प्यार भी ठीक नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में कहीं, जब नई नई शादी होती है तो क्रिकेट बॉल जैसे और बैठ के संबंध होते हैं, बाद में फुटबॉल जैसे संबंध हो जाते हैं, है भी? तो सारा काम निपटा के आना पड़ता है, भाई का ध्यान वही रहता है, कोई बात नहीं, ऐसा है छोटा भाई है बड़ा भाई है, एक दो दिन लगेंगे टाइम से आने में, ऐसा होता है मेरे साथ ही होता है, हमारे साथ सबके साथ होता है। अब तो क्लास यहाँ से चल रही है, जब बाहर पढ़ाने वढ़ाने जाते थे अभी खुल जाएगा ऑफलाइन, तो साथ में कोई है, कोई पिक्चर विक्चर दिखाने ले जाए, मान लो ले जाती थी या ले जाए, तो दो तो दिन एक दो दिन तक ध्यान में ही रहता था, ऐसा होता है। मिटा दें 24 नंबर, लिखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, रुपीज 3600 डिवाइडेड, ये आपकी बुकलेट का ही क्वेश्चन है, डिवाइडेड अमंग 4 इंजीनियर, 3 MBA, 3 MBA, 5 CA, 3650 रुपये कर लेना भाई, इंग्लिश वाले हिंदी में ठीक लिखा है, 3650 रुपये को 4 इंजीनियर, 3 MBA और 5 CO में बांटा गया है, 4 इंजीनियर, 3 MBA और 5 CA में बांटा गया है, 3 CA शेयर इज, 3 CA शेयर इज इक्वल टू 2 MBA शेयर, 3 CA का हिस्सा 2 MBA वालों के हिस्से के बराबर है, 3 CA का हिस्सा 2 MBA वालों के हिस्सों के बराबर है, एंड 3 इंजीनियर शेयर इक्वल टू 2 CA शेयर, 3 इंजीनियर का हिस्सा 2 CA के बराबर है,
फाइंड शेयर ऑफ 1 MBA, तो 1 MBA का हिस्सा बताओ, 1 MBA का हिस्सा बताओ। एक एम बी ए का हिस्सा बताओ। फरीन बताएगी, शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट सी लड़की है। हाँ भाई रसगुल्ला, तेरा एक भी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आता है? आज तो तू येलो येलो डल्टी फेलो बना हुआ है। और इसका क्या पदवी दी थी इसको? शकुंतला देवी। हाँ बताओ, तीन CA का हिस्सा 2 MBA के बराबर है। तीन ही बंदे थे भाई, इंजीनियर, MBA और CA। इंजीनियर थे, 3 MBA थे, 5 CA थे, बस। क्लियर है भाई? वाह, आया पॉइंट में? आया सर, पॉइंट में आया। पढ़ क्वेश्चन, देखो इसका क्वेश्चन में आ रही तो गलती क्वेश्चन में करेगा, पढ़ के बता। 3650 चार लोगों में बांटा गया, जिस चार लोगों में, तीन लोगों में बांटा गया, चार इंजीनियर। मत पढ़ मत पढ़। 3650 रुपए को किसके बांटा गया है? चार इंजीनियर, इंजीनियर और तीन और दो, पांच CA में बांटा गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे पढ़ो। तीन CA का हिस्सा 2 MBA के बराबर, और कुछ भी कह रहा आगे? तीन इंजीनियर का हिस्सा 2 CA के बराबर है। तीन इंजीनियर, EN से इंजीनियर मान के चलो, तीन इंजीनियर का हिस्सा किसके बराबर है? 2 CA के बराबर। पूछा किसका है? एक MBA का हिस्सा बताओ। देखो यही था बस, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। देखो आप, तीन CA है तो CA इसको ऐसे करते हैं, MBA को मेजर लिखते के नीचे, तो देखो CA बटे MBA, तो यहाँ कितना था? ये तीन इधर से लगा। क्लियर है? ऐसे मैं CA को इंजीनियर के नीचे ले आऊँ तो ये बनेगा। बोलो यस, बस कुछ नहीं है। अब देखो इसको सही से बना लो, जैसे ही आपको लिखना है इंजीनियर, MBA और CA, यही है। अब इंजीनियर CA इंजीनियर के साथ है तो CA को पहले लिख लो, गुस्से रेशो बनाने में आसानी होगी। इंजीनियर कितना और CA कितना? ठीक, CA कितना और MBA कितना? मैंने पिछली क्लास में बताया, पहली क्लास रेशो में पढ़ा, जब भी बताया था जगह खाली है तो पड़ोसी को बैठाना, जगह खाली हो तो 2 × 2 3 × 2 देख बेटा, दिख रहा है ना? 3 × 3 9, 4 × 6 9। अब देखो ऐसा नहीं, ये 4 × 6 9 इंजीनियर का हिस्सा, एक इंजीनियर का हिस्सा कितना? 4, तो 4 इंजीनियर का हिस्सा कितना होगा? 16। एक MBA का हिस्सा
तो 3 MBA का हिस्सा 18, एक से अच्छा सी है, 1 MBA का हिस्सा कितना 9, तो 3 का 27, अब सी कितना है 6, तो 5 का सबका जोड़ो 30, सॉरी कितना 73, देखो 16, 27 और 30 कितना हो गया, इस 73 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रहा है, तो 1 की वैल्यू 50, 73 के 5 बार कटता है, और किसका है, तो 3 MBA का कितना था 27, तो 1 का कितना होगा 9, तो 50 × 9 कर दो भाई, 3 का 27 है तो 1 MBA का कितना होगा 9, तो 50 × 9 450 मिनट, क्लियर है, तो लिखना भाई क्लियर है तो। बताओ शाबाश, मुझे लगा तुम पढ़ के आओ तो तुम क्वेश्चन को उड़ा दोगे, मैंने जितने बैच पढ़ाए हैं जहाँ भी हमेशा क्या होता है लड़कियाँ सारा का होमवर्क होता है घर से आराम से पूरी चीज़ बना बुनो के आती है डाउट पूछती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, क्या कह रहे हैं मिटा दें, आज CGL का रिजल्ट आया है, जनरल की कट ऑफ 700 में से 600 प्लस तीनों टीयर के मिला के, पहला टीयर 200 नंबर का, दूसरा टीयर 400 नंबर का, जिसमें से 200 का तो मैथ और 100 का प्री, 50 का प्री, 250 नंबर का मैथ था, और 100 नंबर की टाइपिंग ऐसे राइटिंग होती है, पिछले बैच में एक लड़की आती थी, आज उसका फ़ोन आया उसका हो गया, तो इतने अच्छे कुछ बच्चे होते हैं जो इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करते मेहनत करते और जो करते हैं उसका होता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है उसके लिए, सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, लेकिन बनाए कौन अब, है ना, चले आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे, बनाओगे तो बेटा होता है सिलेक्शन, ऐसा नहीं, लेकिन कट ऑफ हाई जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, तो सब घबराएंगे नहीं बिल्कुल, मेहनत आप अच्छे पूरे की करके चलो तो होगा, लिखिए ₹5,783 इज डिवाइडेड इनटू ABC, 5,783 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया, ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया, इफ 28, 37 and 18, 28, 37 and 18, यदि 28, 37 and 18 रुपीज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर शेयर, यदि उनके हिस्सों में से 28, 37 and 18 घटा दिया जाए, देन रेशियो बिकम 4:6:9, तो अनुपात 4:6:9 हो जाता है, 4:6:9 हो जाता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें, ए का हिस्सा ज्ञात करें, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1200 गलत आ रहा है, पहला ऑप्शन 1200 दे रखा है लेकिन वो गलत है, 1228 है,
सक्षम लड़का इंटेलिजेंट है, कुछ क्वेश्चन का आंसर देता है, अभिषेक तेरा आंसर क्यों नहीं दे रहा भाई आज? मिटा दें, बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो को बता देते, 5783 रुपए को किस किस में बांटने? ए बी सी में। कुछ पैसा घटाने के बाद कितना कितना? 28, 37, 18 घटाने के बाद इसमें से 28 घटा दिया, इसमें से और इसमें से, तो रेशियो कितना हो जाता है? 6, 9 ऐसे लिख लेते हैं। ये क्यों जाता है? अगर मैं घटाने से पहले पैसा कितना था, यही था 4x+28, यहाँ कितना था 6x+, और यहाँ कितना था 9x+, और ये किसके बराबर था तीनों पैसा मिला के? 87, 83। तो देखो 4, 6, 10 और 9, 28, 37 और 18। तो जरा बताओ 19x की वैल्यू 83 घटेगा तो कितना बचेगा? 5700। तो x की वैल्यू किसका हिस्सा पूछा है? ए का। तो 300 x की वैल्यू 400 गुना 300 1200 में 28 जोड़ेंगे तो भाई वाह, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। नौकरी बहुत जरूरी है इस समय, महंगाई देखो चरम सीमा पे पहुंच रही है। आज आपके सिलेंडर रसोई का गैस का दाम बढ़ गया, अमूल दूध 2 रुपये लीटर बढ़ गया है, 8-10 चीज़ें बढ़ी है, तो ज़रूरी है चीज़ें। चलो सरसों का तेल तो कुछ घटा, 140 तक आ गया है, वो तो खैर 2007-08 में मनमोहन सिंह ने जो लोन लिया था उस लोन की रिकवरी की जा रही थी, सरसों के तेल के लिए उसने बोला था इसको यू आगे वाले टाइम में वहन करेगा, उसको उस समय भी कीमतें बढ़ी थी, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए इस चीज़ को तेल के दाम बढ़ाए गए थे। और तो हमें नॉलेज होती नहीं, हम तो थाप देते हैं बीजेपी ये कर रही है, मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा हो, तो इसी हिसाब से ये चलो जो चीज़ फैक्ट है फैक्चुअल है। तो यूपी में 5 एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाँ फिल्म सिटी भी बन रही है, देखो टोटल 5 हो जाएंगे, मतलब मिटा दें। छब्बीस नंबर, रुपीज 999 कितना होता है? 999 इज डिवाइडेड इनटू ए बी सी, 999 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए प्लस बी, मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी रेशियो सी इज 2:1 एंड ए रेशियो बी इज 2:1। देन फाइंड ए शेयर, ए का हिस्सा निकालो, बता दो।
न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आदत डाल लिया करो थोड़ी थोड़ी, या कोई मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ले लिया करो, करंट अफेयर वगैरह आपकी ठीक हो जाएगी। और उसमें आर्टिकल्स आते हैं प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, जब पढ़ोगे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। गलत आ रहा है, इतना ही आ रहा है भाई। वाह, 333 तो भैया ऑप्शन में भी नहीं दिखा रहा, 333 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 666 भी ऑप्शन में नहीं है। अरे हो सकता, देखते हैं एक बार, कोई बात नहीं। देखो ए प्लस बी कितना है और यहाँ ए प्लस बी कितना है, पहले इसको बराबर कर लो। किससे गुना कर दी, 3 × 2, और इसको किससे कर दी, 2 × 2, 2 × 1 = 2, यानी यहाँ से ए का हिस्सा कितना है, 4, और बी का हिस्सा 2। जब हमने 3 से गुना करी तो दोनों जगह करेंगे, तो सी कितना आया, टोटल कितना, तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1 की और 4 की। अबे नालायको, ये भी गलती कर रहे हो तुम, मुझे लगा कि क्वेश्चन सबका 333 आ रहा है, हो सकता तो मैं ऑप्शन यही तो बनानी थी बेटा, और कोई बनाना था इसमें तो बराबर और बिना बराबर कैसे रेशियो बना देगा नालायको। जब भी कोई चीज़ रखी जाती है उसको बराबर करके तो बांटेगा, ऐसे कैसे बांट देगा। और कई तो इतने अज्ञाकारी बच्चे होते हैं, माँ ने जैसा बोल दिया वैसे ही बांट लेते हैं। पांडवों के माँ बाप देख लो, द्रौपदी के अर्जुन देख लो, तीर निशान लगा के आया, बिना देखे उसने बोले माँ कुछ चीज़ लाए, बोला 500 बेटे बराबर बांट लो। मान तो चीज़ के लिए बोला, लेकिन भाइयों ने फिर भी देख लो। तो कई तो इतने अज्ञाकारी होते हैं, नहीं अज्ञाकारी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें पॉजिटिव वे ढूंढो ना, नेगेटिव तो सोचो ही मत कुछ भी, पॉजिटिव वे ढूंढो बेटा। आप हर चीज़ से नेगेटिव पॉइंट तो सब में, मेरे अंदर भी नेगेटिविटी है, आपके पेरेंट्स के अंदर भी नेगेटिविटी है, लेकिन आप पॉजिटिव पॉइंट कैच करो, बढ़ जाए आगे। नेगेटिव आदतों को छोड़ दो, कामयाब होना है तो इग्नोर करना सीखना पड़ेगा आपको। नहीं तो किसी से उलझ जाओगे अगर आप सब जगह जवाब देने लग गए तो। 27 नंबर SSC सीजल मेंस में आया था ये क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्ट एन इंटरप्राइज टुगेदर, पहले इंग्लिश में लिख लो, एन इंटरप्राइज टुगेदर, कॉमा लगा के लिखना, विद ए एज एक्टिव पार्टनर, विद ए एज एक्टिव पार्टनर, ए इन्वेस्ट रुपीज 4000, ए इन्वेस्ट रुपीज 4000 एंड आफ्टर 8 months इन्वेस्ट रुपीज 2000 मोर, बी इन्वेस्टेड रुपीज 5000 एंड आफ्टर 9 months विड्रॉ 2000 रुपीज। बींग द एक्टिव पार्टनर ए टेक्स 100 rupees पर मंथ, ए टेक्स 100 rupees पर मंथ एज अलावेंस, भत्ते के रूप में एज अलावेंस फ्रॉम द प्रॉफिट। What is the share of A? What is the share of A? If the profit for year is, if the profit for year is, if the profit of year is rupees 6700, A और B दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं
एक उद्यम शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार है, ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है, और 8 महीने बाद 2,000 रुपये और मिला देता है। बी 5,000 रुपये का निवेश करता है, और 9 महीने बाद 2,000 रुपये निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते, सक्रिय भागीदार होने के नाते ए को लाभ से भत्ते के रूप में, ए को लाभ से भत्ते के रूप में 100 रुपये प्रति महीना मिलता है। लाभ से भत्ते के रूप में 100 रुपये प्रति महीना मिलता है। यदि वर्ष में 6,700 का लाभ हुआ हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। शाबाश, भी गलत आ रहा है। 6,700 का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। शाबाश, भी अब सही आ रहा है। लेकिन बेटा गलती बहुत बड़ी करता तू अभी भी। इससे क्या होता है, अभी तुम्हें क्वेश्चन तेरे को बेसिक समझ में आ जाता है दो क्लास में। सुन पहले, बेसिक दो क्लास में तेरे को समझ में आ जाता है, तीसरी क्लास में तू डायरेक्ट निकालने लेता है। लेकिन जब एक दो दिन, महीने बाद, 20 दिन बाद वही क्वेश्चन सामने आते हैं ना दोबारा, तब तो आंसर नहीं निकलता, क्योंकि लॉजिक भूल जाते। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तेरी इच्छा है, फिर तू 3-6 महीने बाद पढ़ेगा ना, फिर वैसा ही रहेगा, जीरो का मतलब जीरो ही। इसके बाद आपका एक टाइप और बच जाएगा, लास्ट टाइप, प्रीवियस ईयर का 16, 17, 18, 19, 20 तक में जो क्वेश्चन आए थे वो। आ गया, नहीं बताएगा। सबसे पहले ये देखो इसमें 1 साल का है, 2 साल का है, उसी से क्या सॉल्व करो। मैं वेट कर रहा हूँ, आज आंसर निकाल के दिखाओ, तब तक हम जल पी लेते हैं। अच्छा बता दूं, कितने साल की बात चल रही है? 1 साल की। एक कितना इन्वेस्ट करता है? 4,000 रुपये। कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। तो बचे कितने महीने और 1 साल के लिए? बाद में कितने रुपए और कर देता है? 2,000 और। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6,000। क्लियर है? फिर बी की बात चल रही है। बी कितने इन्वेस्ट करता है शुरू में? कितने? 5,000। कितने महीनों के लिए? फिर कितने निकाल लेता है, तो कितने बचेंगे?
कितने महीने और बचे? तीन। ये ए और बी का रेशियो बना लिया, 3 0 3 0 3 0 3 0 हटा दिया, 8 × 4 = 32, 6 × 4 = 5 × 9 = 3 × 3 = 9, 32 × 24 और 56 ये कितना 54, 2 से काटा 27, ये ए है और ये बी है। इस रेशियो में प्रॉफिट बचेगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट हुआ कितना 6700। भाई बी तो पैसा लगा के कहीं भी घूमता रहा, ए उसमें सक्रिय भागीदार रहा, उसने कहा कि भाई मैं तो काम करता रहूँगा, कंपनी को बढ़ाऊँगा और बदले में 100 रुपये महीना अलग से लूँगा। तो कितने साल की बात है? 1 साल की। तो 100 रुपये महीना लेगा तो 1 साल तक कितने रुपये ले लेगा? तो ए ने 1200 रुपये तो ये ले लिया अलाउंस के रूप में, ये याद रखना आपको। बचा कितना पैसा? 5500 रुपये। ये किस रेशियो में बटेगा? 28 और 27 टोटल वैल्यू, 55 यूनिट की वैल्यू कितना है भाई? 5500। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 28 यूनिट की वैल्यू और 27 यूनिट की वैल्यू किसका हिस्सा पूछे? 2800 तो ए को यहाँ मिले और यहाँ कितने मिले? तो 2800 और 1200 कितना हिस्सा आए के? 4 डॉलर। क्लियर है? अब आपका एक पार्ट रह गया लास्ट, जो 16, 17, 18, 19 वे क्वेश्चन आए थे, वो लास्ट के 9 या 10 क्वेश्चन बस। यानी आप किताब के क्वेश्चन बनाओगे वो नहीं रुकेंगे, किताब के सारे टाइप करा दी प्रीवियस ईयर के, मैं फिर भी जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं कल कराऊंगा।